काफ़ी लोग बालों के झड़ने और सफ़ेद होने से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज मैं आपके साथ बालों को काला करने व झड़ते हुए बालों को रोकने का एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ। ये ना सिर्फ आपके बालों को काला करेगा बल्कि आपके झड़ते हुए बालों को रोकेगा। बस आपको इसको नियमित तौर से इस्तेमाल करना है। इस हेयर ऑयल को अगर आप लगाते हैं तो इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने रहेंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, मजबूत होंगे और शाइनी भी होंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर फॉल की तो उनका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। साथ ही साथ जिन लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे बाल बढ़ते नहीं हैं तो उनके बाल भी बढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप कम से कम इसको 1-2 महीने ज़रूर यूज़ करें, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो आपके किचन में होंगी ही होंगी, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इस हेयर ऑयल को किस तरीके से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए चाहिए हमें कलौंजी, जिसे हम ऑनियन सीड्स भी बोलते हैं, और उसके बाद हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है मेथी दाना, जिसे हम फेन्यूग्रीक सीड्स बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही आपके किचन में होंगी ही होंगी। तो हमें 2 चम्मच कलौंजी लेनी है और 2 ही चम्मच हमें मेथी दाना लेना है। मैं यहाँ पर 2 चम्मच मेथी दाना ले रही हूँ और उसके बाद 2 ही चम्मच कलौंजी लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 1 महीने के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ज़्यादा लें। मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं दोनों ही चीज़ें 2-2 चम्मच ले रही हूँ। इसकी गुडनेस मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम कलौंजी और मेथी क्यों ले रहे हैं। तो ये मेरा 4 चम्मच हो गया है दोनों को मिला के। अब इसके बाद हमें इसको तवे पे गरम करना है, जिससे ये अच्छे से पिस जाए, पाउडर फॉर्म में हो जाए। तो मैं इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लूँगी। ये मैंने पीस लिया है और इसको कटोरी में निकाल लिया है। अब इसका हेयर ऑयल कैसे बनाना है, एक आपको कांच की बोतल लेनी है फ्रेंड, वो अंदर से बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। कांच की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा दिनों तक तेल ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं पतंजलि का कोकोनट ऑयल को ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम से कम 100 या 150 ग्राम कोकोनट ऑयल लिया है। अब इसके बाद जो हमने पाउडर बनाया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये 3 चम्मच के करीब पाउडर है, तो मैं इसको 3 चम्मच ही इस ऑयल में डाल दूँगी। ये पाउडर ऐड कर दिया है, इसका ढक्कन लगाने के बाद आपको ये 4-5 दिन धूप में ज़रूर रखना है। आप धूप में रखेंगे तो इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल तरीके से इसको पकाना है। तो ये जब 3-4 दिन आप धूप में रख देंगे तो ये हमारा तेल तैयार हो जाएगा बालों में लगाने के लिए। अब मैं आपको इसकी गुडनेस बताती हूँ कि आप अगर ये तेल लगाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाना आपको पता ही होगा कि बालों के लिए कितना ही अच्छा है। ये बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ हमारे बालों में जो डैंड्रफ होता है उसको भी ख़त्म करता है। प्रोटीन होता है इसमें जो हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है, तो इसलिए हमने मेथी दाना लिया है। अगर बात करें कलौंजी की, तो बालों की हर मर्ज का इलाज है कलौंजी और मेथी दाना। तो हम कलौंजी की बात कर रहे हैं। कलौंजी में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण होते हैं, इसका उपयोग दवाई के बनाने में भी होता है। इसके अलावा कलौंजी में प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, फास्फोरस वगैरह बहुत सारे गुण होते हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यह आपके बालों की जड़ों को काला और घना बनाएगा, साथ ही साथ गंजे जो पन हो जाता है वहाँ पर बाल उगाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर कलौंजी को लिया है और मेथी दाने को लिया है।
फ्रेंड्स, अब 4-5 दिन हो जाएं इस हेयर ऑयल को धूप में रखे हुए और आप जब इसको लगाएं तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इस हेयर ऑयल को आधे घंटे तो ज़रूर ही अपने बालों में रखें, और वरना अगर आप ओवरनाइट इस हेयर ऑयल को रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।